गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? गुड। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है पता है? अटेंडेंस बनाना है, जो कि आपको प्रोसेस भी पता ही है। कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे अपना नाम लिख देना है ना। अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे। चलिए, सबसे पहले ये काम कर लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, बना लिया आप लोगों ने अटेंडेंस, हम लोग शुरू करें। चलिए, कल हम लोगों ने ग्रामर में क्या पढ़ा था? डूइंग वर्ड्स, है ना? इसको और क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड या फिर वर्ब, आप जो बोल लीजिए सब एक ही मीनिंग है, ठीक है? मैंने इसका डिफिनेशन लिखवाया था आप लोगों को, आई होप आप लोगों ने इस क्लास को किया होगा। अगर नहीं किया है जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं अटेंड किया, वो क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो जो है उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है? मैंने इसको पढ़ाया भी था और इसका एक्सरसाइज जो है वो मैंने 1 और 2 जो है ए एंड बी वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था, है ना? सी नंबर बाकी रह गया था और ये एक्टिविटी वर्क बाकी रह गया था। तो मैंने एक्टिविटी वर्क आपको बोला था कि आप बनाओगे, मैं एक बार आपको बता दूंगी, तब आप मैच कर लेना। इसमें क्या करना था कि हर अल्फाबेट से एक डूइंग वर्ड आपको लिखना था, है ना? एक वर्ब का नेम लिखना था। तो चलिए पहले सी नंबर देख लेते हैं, फिर हम लोग एक्टिविटी वर्क पे आएंगे। कह रहा है लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर को देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल डूइंग वर्ड्स टू डिस्क्राइब व्हाट दिस चिल्ड्रन टू डू एवरी डे टू हैव बीन डन फॉर यू। कह रहा है पिक्चर को देखिए और बाकी का जो मतलब ये है, पिक्चर को देख के कंप्लीट करना है एक सेंटेंस, सुटेबल सेंटेंस, वहां पे क्या यूज करके एक ऐसा डूइंग वर्ड यूज करना है जो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है, ठीक है? जैसे कि दो आपको करके बताया भी है कि फिगर पहला में क्या है, लड़की कुछ पी रही है, तो उसे क्या सेंटेंस बनाया है, अनु ड्रिंक्स अ बॉटल ऑफ लेमोनेड एवरी डे। अब यहाँ पे देखिए डूइंग वर्ड कौन सा हो गया, ड्रिंक्स, पीना, पीती है। फिर सेकंड में राजू प्लेज इन द पार्क एवरी इवनिंग, राजू रोज शाम को पार्क में खेलता है ना? प्ले मीन्स खेलना, तो यहाँ खेलता है वर्ब है। अब आपको तीसरा से बनाना है ना? तो तीसरा में क्या है, वो काइट को उड़ा रहा है ना? तो क्या बनाएंगे, चलिए आप लोग अपना पेंसिल इरेजर निकाल लीजिए और चैप्टर 8 निकाल के रखिए। चलिए मैं बताती हूँ सी का 3, अनुज है ना? अनुज फ्लाइज, अनु फ्लाइज अ काइट इन द स्काई, है ना? ये सेंटेंस सुटेबल लग रहा है कि अनुज जो है आकाश में पतंग उड़ाता है ना? ये सेंटेंस हो गया। 4 नंबर देखते हैं, अर्जुन जो है स्केटिंग कर रहा है ना, मतलब वो पैर में चक्के वाला जो पहिया वाला होता है एक स्केट करने वाला, उस पर स्केटिंग कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, अर्जुन स्केट्स ऑन द रोड। अर्जुन जो है रोड पे क्या कर रहा है, स्केट करता है। चलिए 5 नंबर देखते हैं, 5 है दिनेश, क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है ना? चलिए इसके बनाते हैं, दिनेश राइड्स द साइकिल। चलिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ऑन हिज वे टू, है ना, ऑन हिज वे टू स्कूल। अब इसका मीनिंग हो गया कि दिनेश जो है वो साइकिल चलाता है अपने स्कूल के रास्ते में, है ना? स्कूल जाते हुए साइकिल चलाता है। अब है अनीता क्या कर रही है, फुटबॉल खेल रही है ना? चलिए इसका लिखते हैं, अनीता प्लेज
बॉल अनीता प्लेस फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड। अनीता जो है वो मैदान में क्या खेल रही है, फुटबॉल खेल रही है ना। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। चलिए हो गया, लिख लिया। चलिए मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक है। अब एक्टिविटी वर्क थोड़ा देखते हैं। चलिए ए से तो आपको बता दिया है एराइव, है ना। एराइव मीन्स होता है निकलना कहीं के लिए, है ना, आना। अब बी से एक बताइए, तो ऐसा वर्ड बताइए जो वर्ब हो जिससे काम का पता चले। तो अगर हम बीट लिखते हैं, है ना, बीएटी बीट, बीट मीन्स क्या होता है, मारना, है ना, काम है। सी फोर क्या बना सकते हैं, कैच, कैच मीन्स पकड़ना। डी फोर डांस, डांस मीन्स पता ही है, डांस करना, नृत्य करना। ई फोर ईट, खाना, क्रिया है। एफ फोर फाइट, फाइट मीन्स लड़ाई करना। G फोर गो, गो मीन्स जाना, है ना। H फोर हाइड मीन्स छिपना। I फोर आपको यहाँ पे लिख ही दिया है इमेजिन, मतलब इमेजिन करना, अपने मन में सोचना, ख्याल बनाना। J फोर जंप, है ना, जंप मीन्स क्या होता है, कूदना। K फोर के एन ओ सी के, नॉक, नॉक मीन्स होता है खटखटाना। L फोर आपको लिख ही दिया है ले, ले का मतलब होता है लेटना, है ना, लेट आओ। चलिए अब यहां देखते हैं, M फोर माउंट, माउंट का मतलब होता है चढ़ना, है ना, किसी चीज पे चढ़ना। माउंटेन मीन्स पहाड़, है ना, लेकिन माउंट मीन्स चढ़ना। एन फॉर नॉइज, नॉइज लिख सकते हैं हल्ला करना। ओ फॉर आपको लिख ही दिया है ओबे, मतलब बात मानना, आज्ञा मानना। पी से आप क्या लिख सकते हैं, प्ले, है ना, प्ले मीन्स खेलना। क्यू से क्या लिख सकते हैं, क्विक, या फिर यहां क्विवर भी लिखा है, क्विक मीन्स जल्दी करना। आर फॉर क्या लिख सकते हैं, रन मीन्स भागना। एस फॉर स्विम लिख सकते हैं, मतलब तैरना। टी फोर क्या लिख सकते हैं, टच, मतलब छूना। यू फोर अनकवर मीन्स किसी
ढके हुए रखना। बी फॉर क्या है? वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू करना है ना, उसकी ये करना, इज्जत करना या जो बोलूं। वैल्यू करना मीन्स वही होता है, वैल्यू देना, किसी को मान देना, सम्मान देना। W फोर क्या हो जाएगा? वर्क, काम करना। X फोर आपको जीरोक्स लिखा ही है। Y फोर याक लिखा है, जो कि गलत है ना, कुछ और होगा इसका। Z का देखते हैं। जिप मीन्स चेन भी होता है या चेन खोलना भी होता है। वाई एंड जेड का आप लोग यही लिखे तब तक, मैं इसका कल दो मीनिंग बता दूंगी, ठीक है? जो आपको बुक में दिया है तो आपको बगल में लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो वाई और जेड रहने देते हैं। चलिए पहले इसको नोट कीजिए। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। चलिए मैं इरेज करती हूँ। चलिए तो हमारा चैप्टर 8 जो है खत्म होता है। चैप्टर 9 थोड़ा समझ लेते हैं, है ना, बाकी जो बचेगा वो फिर अगले वीक समझेंगे। चैप्टर 9 क्या है? इज एम आर, मतलब इज एम आर का कैसे यूज करना है वो पढ़ना है इसमें। चलिए देखते हैं, लेट्स लर्न अबाउट इज एम आर, है ना। वी यूज एम विथ आई, हम लोग एम का यूज किसके साथ करते हैं? सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। हमेशा एम का यूज आप देखते होंगे यूज करने में कि आई के साथ ही होता है, है ना। आप लोग बोलते भी होंगे आई एम अ बॉय, आई एम 6 years old या 8 years old, जो भी है। तो कहने का मतलब हमेशा एम का यूज कब होगा? आई के साथ। आई एम प्लेइंग, आई एम वर्किंग, है ना। तो ये होता है, जैसे यहाँ पे देखिए आई एम ए स्टूडेंट, आई एम हैप्पी। फिर है वी का यूज है, वी यूज इज विथ अ सिंगुलर नेमिंग वर्ड। हम लोग इज का यूज कब करते हैं? सिंगुलर नेमिंग वर्ड के साथ, है ना। जो एक ही, जब एक ही आदमी के बारे में बात करेंगे, है ना, वन पर्सन प्लेस थिंग जो भी है, एक ही चीज के बारे में बात करेंगे, वो सिंगुलर नेमिंग वर्ड होगा, उसके साथ इज का यूज करेंगे। जैसे बेटी इज माई क्लासमेट, बेटी जो है वो क्या है? मेरी क्लासमेट है, तो सिंगल है, इज लगाया है। अंकुर इज नॉटी, अंकुर जो है नटखट है, अंकुर सिंगल पर्सन है, तो इज लगाया है। फिर कह रहा है कि वी ऑल्सो यूज इज विद द प्रोनाउंस ही शी एंड इट। हम लोग इज का यूज नेमिंग वर्ड के साथ साथ प्रोनाउन के साथ भी करते हैं, और कौन सा प्रोनाउन? ही शी और इट, है ना। अब है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज माई नेबर, है ना, ही मीन्स एक ही आदमी है, तो इज लगाया है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी भी सिंगुलर पर्सन है, इज लगाया है। लुक एट द ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, इट इज अ ब्यूटिफुल बर्ड,
वर्ड भी एक ही है वहां पे, इसीलिए इट का यूज है और इज लगाया है। फिर है वी यूज आर विथ अ प्लूरल नेमिंग वर्ड, है ना। हम लोग आर का यूज किसके साथ करते हैं? प्लूरल नेमिंग वर्ड के साथ, मतलब एक से ज्यादा के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो आर का यूज वहां पे होगा। जैसे सारा एंड सबा आर सिस्टर्स, सारा और सबा जो है बहने हैं, एक से ज्यादा है, है ना। अब है द चिल्ड्रेन आर एक्साइटेड, बच्चे जो है वो उत्साहित हैं। बच्चे मीन्स क्या हो गया, बच्चा तो है नहीं, बच्चे हैं, तो वो एक से ज्यादा हुए, इसीलिए आर का यूज है। अब देखते हैं वी ऑल्सो यूज आर विद द प्रोनाउंस वी यू एंड दे। हम लोग आर का यूज और किसके साथ करते हैं? प्लूरल के साथ, है ना, प्लूरल नेमिंग वर्ड के साथ तो करते हैं, साथ में प्रोनाउन के साथ भी करते हैं। कौन कौन प्रोनाउन? वी यू एंड दे, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, वी आर एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस नाउ। वी मीन्स हम लोग, एक से ज्यादा हैं तो आर लगाया है। फिर यू आर द टॉलेस्ट गर्ल इन द टीम, है ना। यू मीन्स तुम जो है, तुम लोग, सॉरी, यू आर द टॉलेस्ट गर्ल इन द टीम, तुम जो हो सो अपने टीम में सबसे लंबी लड़की हो। तुम मीन्स यहाँ सिंगुलर पर्सन ही हुआ, लेकिन हमेशा नियम है कि यू के साथ आर ही लगेगा, ठीक है। जैसे आई के साथ एम, तो यू के साथ आर, चाहे सिंगल पर्सन हो या प्लूरल पर्सन हो। अब है दे आर सरप्राइज, वे लोग, है ना, तो वे लोग मीन्स बहुत सारे लोग, इसीलिए आर लगाया है, ठीक है। इधर तो एक्सरसाइज है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए, इसका यूज हमेशा कब करेंगे? सिंगुलर नेमिंग वर्ड के साथ, है ना। आई का यूज हमेशा किसके साथ होगा? एम के साथ। और आर का यूज कब करेंगे? प्लूरल नेमिंग वर्ड के साथ। और हाँ, इसका यूज हम प्रोनाउन के साथ भी करते हैं, जैसे ही, शी और इट, ठीक है। और ये आर का यूज जो है प्लूरल नेमिंग वर्ड के साथ साथ प्रोनाउन के साथ भी करते हैं। कौन सा प्रोनाउन? वी, यू एंड दे, ठीक है, समझ गए ना। चलिए इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर, वन हैज बीन डन फॉर यू। इज एम आर का यूज है, आपको बताया है मैंने अभी तुरंत। एक आपको बताया है यू आर द फास्टेस्ट रनर इन अवर क्लास, यू के साथ हमेशा क्या यूज करना है? आर, है ना। आई डैश बिजी, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई के साथ मैंने क्या बताया है? एम, है ना। अब है माई सिस्टर डैश वेरी गुड एट पेंटिंग। माई सिस्टर मीन्स मेरी बहन, एक ही है, इज। आई डैश हैप्पी टू हैव रिसीव द गिफ्ट, आई के साथ एम। द बेबीज फ्रॉक डैश कलरफुल, बेबी का फ्रॉक मीन्स एक ही बेबी है, फ्रॉक भी एक ही है, इज। द स्टूडेंट्स डैश एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक, है ना, स्टूडेंट्स है मतलब बहुत सारे हैं, क्या होगा? आग, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए बी नंबर देखते हैं। पहला आपको बताया है इसमें, कह रहा है कि सर्कल द एरर्स इन दिस सेंटेंस, राइट द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। हर सेंटेंस में आपको इज एम आर गलत तरीके से लिखा है, आपको सही जो है, सही इज एम आर का जो भी यूज होगा उसको वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है, और जो गलत है उसको घेर देना है। जैसे दिस आर एन इंटरेस्टिंग बुक, है ना, यहाँ पे दीज रहता तो आर होता, लेकिन दिस के साथ आर नहीं किया होगा, इज तो किया है। अब है इट डैश रेनिंग, सॉरी, इट आर रेनिंग आउटसाइड, क्या है? आर है, गलत है, क्या होगा? इज, है ना। यू डैश नाइसली ड्रेस्ड, सॉरी, यू इज नाइसली ड्रेस्ड, यू के साथ हमेशा क्या लगता है? आर ना, गलत है। आई इज एट होम, आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम, तो इज गलत है, क्या हो जाएगा? एम। फिर क्या है? इट आर अ गुड प्लान, इट में हमेशा इज लगेगा, ये भी गलत है।
अब क्या है, व्हाट आर योर पोस्टल एड्रेस, व्हाट इज योर होगा, एड्रेस तो आदमी का एक ही होगा ना, तो योर पोस्टल एड्रेस तो इज होगा, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, चलिए दोनों को उतारिए जल्दी। हो गया। सी नंबर कह रहा है कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ वर्ड रिलेटेड टू यू एंड योर स्कूल। इसमें आपको खुद ही भरना है, बना के देखिएगा, ठीक है, फिर मैं बताऊंगी आपको अपना जो भी एड्रेस वगैरह है वो सब लिखना है। जैसे आपसे रिलेटेड वर्ड है, आई एम डैश योर नेम, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। आई एम डैश इयर्स ओल्ड, अपना एज लिखिएगा। आई स्टडी इन डैश स्कूल, अपने स्कूल का नाम। आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम जो आपके स्कूल में है, आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है, फिर आपके क्लासमेट्स के बारे में लिखना है कि वो कैसे हैं, ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।